तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। E20 पेट्रोल आपकी पेट्रोल गाड़ी को खत्म कर देगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अगर नहीं देखेंगे तो नुकसान आप ही है। आज से 3 साल पहले नितिन गडकरी जी ने एक चीज बोली थी, कस्टमर के पास 2 फ्यूल ऑप्शन रहेंगे, या तो आप 65 रुपए लीटर वाला तेल डलवा लीजिए या 105 रुपए वाला पेट। सुन लीजिए, नाउ द पेट्रोल प्राइस इज अ बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री, द पीपल आर फेसिंग क्रूशियल प्रॉब्लम, मेकिंग एजिटेशन फॉर दैट, देन इट विल बी द चॉइस विद द कंज्यूमर that on the petrol pump he can take petrol or ethanol. The rate of petrol will be more than 110 rupees per liter and ethanol rate will be 60 rupees per liter. तो इनका मतलब ये था कि ऑटो एक्सपो 2023 में फ्लेक्स फ्यूल को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करा गया था। आज हम 2024 में घुस चुके हैं, 2025 में जो है हर पेट्रोल पंप पे E20 वाला तेल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पेट्रोल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस देखिए, 2014 में जो ये मात्रा थी ये केवल 1 से लेकर 4% होती थी, यानी कि आप 1 लीटर तेल डलवाते थे उसमें 800, अब की मैं बात करूं E20 में तो 800 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल मिलेगा एंड 200 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल, और उस टाइम की मैं बात करूं तो 96% प्योर पेट्रोल मिलता था, 4% सिर्फ इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती। अब गाइस आप लोग चेक कैसे करें पहले कि आपकी गाड़ी जो है वो E20 सपोर्ट करती है नहीं करती है। मेरी जिमनी आपको पीछे दिख रही होगी बेसिकली, तो जिमनी में मैंने जैसे ही अपना फ्यूल वाला खोल के देखा उसमें लिखा आता है सपोर्ट्स अप टू E20। ये है मेरा 2023 जून का मॉडल, यानी कि मार्च के बाद जितनी भी कंपनीज थी उनने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आ जाती है मेरी थार यहां पे, इसको मैं खोल के देखता हूं तो इसमें E20 कहीं पे भी लिखा होता है, यानी कि ये E20 के लिए बनी नहीं। अब आप सोचिए मार्च से पहले जो लाखों करोड़ों गाड़ियां हमारी सड़कों पे घूम रही है उनका क्या होगा, सारी की सारी खराब होने वाली है। इस वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे। देखिए इस बात करते हैं सबसे पहले E20 चीज क्या है। तो E स्टैंड्स फॉर इथेनॉल, 20 स्टैंड्स फॉर परसेंटेज, यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है आपको पेट्रोल में मिलने वाली। अब चुप चुप के जितने भी फ्यूल पंप्स हैं, हम लोगों को पता था कि हमारी गाड़ियां जो है उसमें 10 से 12% के आसपास इथेनॉल मिलाया जाता था। चुप चुप के जितने पेट्रोल पंप्स हैं वो 15% तक पहुंच चुके हैं, शायद आपको ये चीज पता भी नहीं होगी। हालांकि गाइस मैं एक चीज बताता हूं, क्या आपने नोटिस करा है रिसेंट में आपकी जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उनकी माइलेज जो है हाईली ड्रॉप होने लगी है, जैसी आपको पहले मिलती थी वैसी नहीं है। उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा मिसिंग की दिक्कत आने लगी है, गाड़ी जो है स्पार्क प्लग खराब हो रहे हैं, बैकफायर मार रही है, ये सारी चीजें आप लोगों ने नोटिस करी होंगी। तो ये सारा का सारा जो है ये इथेनॉल मिक्सिंग है इसी का। अब गाइस एक पेट्रोल पंप ओनर है वो खुद बताते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उनका जो फ्यूल स्टेशन है उस पे डेली 2 से 3 कस्टमर्स आते हैं ये कंप्लेंट लेके कि उनका फ्यूल टैंक जो है उसमें पानी भर। तो ये जो है फ्यूल टैंक वालों की दिक्कत नहीं, आप ये सोच रहे हैं वो पानी मिलाते हैं, ऐसा नहीं है। आगे से जो उनके पास पेट्रोल आ रहा है उसके अंदर इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो कुछ इस प्रकार रिएक्शन कर रही है कि जो पानी है वो आप लोगों को फ्यूल टैंक में देखने को मिल रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। खैर गाइस सबसे पहले हम इथेनॉल के बारे में जान लेते हैं कि इथेनॉल क्या होता है। तो इथेनॉल इज अ एल्कोहल और ये हाईली कोरोसिव होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है, कम टेंपरेचर पे वेपराइज हो जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है C2H50H होता है। अब इथेनॉल के बारे में एक अच्छी चीज क्या होती है कि इसके अंदर खुद के अंदर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से जब भी इसका कंबशन होता है तो रेजिड्यू बहुत कम बचते हैं, यानी कि पॉल्यूशन ना के बराबर जो होता है। इसलिए कंपनीज जो है जितनी भी हमारे ट्रांसपोर्ट मतलब फ्यूल कंपनीज है वो इसको प्रेफर करती है। बट इथेनॉल के साथ एक बहुत गंदी चीज मैं आपको बताऊं क्या है कि 1 लीटर ऑफ इथेनॉल बनाने में 2860 लीटर ऑफ वाटर। आप सोच सकते हो कि 1 लीटर इथेनॉल शुगर केन से जब बनेगा, जब 2860 लीटर ऑफ वाटर वेस्ट करा जाएगा या फिर कंज्यूम करा जाएगा, तो आप सोच सकते हो अगर आपने 10 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया है तो आपने लगभग 3000 लीटर के आसपास पानी जो है। खैर गाइस ये छोड़ते हैं, इथेनॉल की एक खासियत और मैं बता देता हूं। हम लोग जो है इंडिया जो है शुगर केन का सेकंड सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, यानी कि निर्माता है, हमारे यहां पे शुगर केन बहुत ज्यादा होती है, तो इथेनॉल हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसी की वजह से जहां पे हम लोगों को बहुत ज्यादा फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता था, यानी कि बाहर वाले देशों से मंगाना पड़ता था, वहां पे इथेनॉल की वजह से कम हो चुका है। इसका फायदा भी मैं सीधे सीधे 16% दिखा है, यानी कि लगभग 2023-2024 में 2 लाख करोड़ रुपए का जो फायदा हमें हुआ है। ये तो थे दो केवल इस चीज के एडवांटेज कि इथेनॉल के फायदे क्या है। सो गाइस इथेनॉल के मैं डीमेरिट्स बताता हूं। इसका जो कोरोसिव नेचर होता है, आपकी गाड़ी के रबर पार्ट्स बहुत जल्दी खराब, यानी कि आपकी गाड़ी जो है उसके अंदर वेयर एंड टेयर्स बहुत ज्यादा। सो गाइस इथेनॉल का कोरोसिव नेचर होता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स जैसे कि रबर पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्यूल लाइंस, सिलेंडर हेड गैस्केट, सिलेंडर बोर जैसी चीजें जो है वो प्रभावित हो सकती। सो गाइस इथेनॉल पेट्रोल जितना एनर्जी डेंस नहीं होता, जिसकी वजह से जो फ्यूल है वो लीनियर हो जाता है। इसकी वजह से आपके जो इंजन है उसमें बहुत ज्यादा मिस फायर मारने के चांसेस हो जाते हैं। आपने नोटिस भी करा होगा कई बार जो गाड़ी है वो मिसिंग मार। सो गाइस इथेनॉल ब्लेंड से इंजन की परफॉर्मेंस और इंजन की जो एफिशिएंसी है उसमें भी भारी गिरावट आती है। एक सर्वे में ये पाया जाता है कि लगभग 6% तक जो है फ्यूल इकोनॉमी गिर जाता है।
अब गाइस देखिए, जो नई वाली गाड़ी आने वाली है यानी कि 2025 तक जितनी भी मैन्युफैक्चर कंपनी है वो सारी तो तैयार है, वो लोग क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, फ्यूल टैंक सील्स, गैस्केट, फ्यूल लाइंस और कई सारे ऐसे न्यू मटेरियल्स बना रहे हैं जो इथेनॉल को सपोर्ट करे एंड वियर एंड टियर कम से कम। बट ये तो रही नई बात, जो पुरानी गाड़ियां थी उनका क्या, उनमें तो ये किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हो अगर आप अपनी गाड़ी में यानी कि जो पहले बनी है 2023 से भी पहले बनी है तो उसमें आप लोगों को भारी नुकसान फेस करना पड़ा। अब गाइस आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक पेट्रोल पंप मालिक जो है वो कंप्लेंट करते हैं कि उनके पास 2-3 गाड़ियां डेली आ रही है जिसके फ्यूल टैंक में पानी मिलता है। तो मैं आपको बताता हूं, तो गाइस बेसिकली इथेनॉल एटमॉस्फेयर से जितना भी वाटर है उसको अट्रैक्ट करता है जिससे जो आपका फ्यूल टैंक है उसमें वाटर भर जाता है पानी। अब गाइस यहां पे अगर आपके फ्यूल टैंक में पहले से थोड़ी सी भी नमी थी इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका पेट्रोल है और जो आपका इथेनॉल है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे जिसकी वजह से आपके जो इंजन है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आने। सो गाइस इथेनॉल जो होता है उसमें पेट्रोल की कंपैरिजन में बहुत ही कम पावर होती है जिसकी वजह से आप लोग फील करेंगे कि आपकी जो गाड़ी है वो इतनी ज्यादा पावर नहीं दे पाती एंड साथ ही साथ जो माइलेज है उसमें भी ड्रॉप आता है। सो गाइस मैं यहां पे ये मानता हूं कि गवर्नमेंट जो है हमें इथेनॉल मिक्सचर वाला पेट्रोल तो देना स्टार्ट कर दिया बट आज भी हमसे उतने ही रुपए वसूले जाते हैं जितना हमें 100% पेट्रोल प्योर पेट्रोल के में। तो ये चीज सरासर गलत। गाइस एक सरल शब्द में आपको बताऊंगा, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो आप यहां पे एक टेबल देखते हैं जिसमें मैंने पूरा बताया कि हमें जो है सरकार सीधे सीधे 7.5% कम पावर दे रही है ये फ्यूल मिक्सचर करके। यानी कि लगभग एक चीज बताऊं मैं, हर 100 रुपए में मैं 7 रुपए एक्स्ट्रा देने लग रहा हूं गवर्नमेंट को अगर मेरी जो गाड़ी है उसमें इथेनॉल मिक्स करा जाता है, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, मुझे माइलेज नहीं मिल रही है, उल्टा जो है हमें ही भुगतान ज्यादा करना पड़ रहा है, हमें परफॉर्मेंस मिल रही है। अगर आपको एक चार्ट समझ आ रहा हो, ग्राफ समझ आ रहा हो तो आप यहां से अच्छे से पढ़। अब गाइस देखिए, बहुत ऐसी कंपनीज थी जो ऑलरेडी इस चीज के लिए तैयार थी जैसे कि होंडा और टोयोटा। 2009 के बाद उनने जितनी भी गाड़ियां निकाली हैं वो सारी की सारी E20 कंपेटेबल थी। यानी कि अगर आपके पास एक होंडा है या टोयोटा है तो आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2009 के बाद अगर आपने गाड़ी परचेज करी है तो आप लोग जो है आराम से चला सकते। बट और जितनी भी कंपनीज है वो मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थी और जितने भी लोग हैं अब उनको ये दिक्कतें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती। अच्छा, E20 जो फ्यूल है उसको पहचाने कैसे, मैं आपको बताता हूं गाइस। अगर आप लोग देख रहे हो जो हमारा सिंपल फ्यूल आता है वो थोड़ा सा आपका गोल्डन कलर का होता है, E20 जो पेट्रोल आता है आपको शरबती रूह अफ़ज़ा कलर का देखने को मिलेगा। यहां से आप देख सकते हो इस प्रकार का जो तेल है आपको E20 देखने को मिलेगा। अब यहां से ये है कि जब भी आप लोग पेट्रोल भरवाए तो उस टाइम हम जो पेट्रोल पंप वाले उनसे बोल दें कि भैया थोड़ा सा ऊपर करके जो है इसको डाले ताकि आप जो कलर है वो देख। तो गाइस देखिए, मेरा तो ये मानना है कि E20 पेट्रोल अगर आ भी जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ऑलरेडी E15 पे तो हम लोग पहुंच ही चुके हैं, बहुत सारी दिक्कतें जो हमें फेस करनी पड़ रही है। उसके बाद भी सरकार ने आज तक पेट्रोल के रेट गिरे नहीं है, यहीं पे डीजल वाले मेरे भाई कुछ होंगे। तो गाइस अब डीजल वाले भाइयों के लिए भी थोड़ी सी गलत न्यूज बता देता हूं या खराब न्यूज बता देता हूं। सरकार जो है अब बायो डीजल की अनुमति दे रही है, यानी कि बायो डीजल जो है आप डीजल में मिला सकते हो। अगर आज की डेट में ये 7% से ज्यादा जाता है बायो डीजल तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है आपके फ्यूल पंप में होने वाला है, उसी के साथ साथ इंजेक्टर जो उसपे होंगे वो बताता हूं मैं कैसे। तो गाइस अगर आपकी गाड़ी कुछ दिन खड़ी है तो जो आपका फ्यूल है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा अपने नेचर में, एंड इसका सीधा सीधा जो फर्क है आपके फ्यूल पंप और जो आपका इंजेक्टर है उस पे पड़ने वाला। तो गाइस यहां पे डीजल पेट्रोल सारे के सारे नुकसान में है, सरकार केवल इतना चाहती है कि ईवी गाड़ियां ले लो, उसके अलावा आपके पास कोई भी बड़ा। तो गाइस देखिए, ये तो थी मेरी एक छोटी सी रिसर्च, आई होप कि आपको समझ में आई हो कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। अगर ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो बताएगा, बाकी E20 पेट्रोल से बच के रहिएगा। अच्छा हां, लास्ट में चल जाते, मैं एक चीज और बता दूं आपको, आई एम सॉरी, कि E20 पेट्रोल नहीं डलवाना तो क्या डलवाएं। सो गाइस अगर आपको E20 पेट्रोल नहीं डलवाना तो आप लोगों को ना चाहते हुए भी आपके जो XP100 XP95 फ्यूल है यानी कि जो हाई परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा प्रीमियम वाले तेल है वो डलवाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें किसी भी टाइप की ब्लेंडिंग जो है भी सरकार नहीं करती। तो ना चाहते हुए भी जहां पे आप लोग 100 रुपए वाला तेल डलवा रहे थे वहां पे आपको 110 120 रुपए वाला डलवाना पड़ेगा। स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि आपके वहां पे कितना फ्यूल है, बट एक्स्ट्रा प्रीमियम तेल जो है उसमें E20 या किसी भी टाइप की ब्लेंडिंग नहीं है, तो वही डलवाएं भी आप अपनी गाड़ी में। अगर आपकी गाड़ी जो है 2023 से पुरानी है, नई वाली जो गाड़ियां हैं उनमें आप लोग E20 डलवा सकते हो, बट उसमें भी जो है वेयर एंड टियर्स बहुत ज्यादा आने। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बचेगा, मिलते रहेंगे आपसे ऐसी और वीडियोस।